हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेंडलम वीडियो। पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी करंट अफेयर्स 27 फरवरी 2020 के। दोस्तों, हमने लास्ट वाले करंट अफेयर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सो आई होप आप हमारे करंट अफेयर्स रोज़ाना फॉलो कर रहे होंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स पढ़ते हैं और फिर हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया था, डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले कौन से क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और आपको ऑप्शंस गिवन थे दूसरे, तीसरे, सातवें और छठे। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी, दैट इज सातवें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किस संस्था के साथ संयुक्त रूप से मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे का संचालन किया है। तो आपको जो ऑप्शन गिवन थे वो थे विश्व बैंक, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन और एशिया विकास बैंक। तो इसका जो सही उत्तर था, जो करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन बी, दैट इज यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जनवरी 2022 में किस देश द्वारा की जाएगी। तो आपको ऑप्शंस गिवन थे ब्रिटेन, भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन बी, दैट इज भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शंस गिवन थे रामवीर सिंह बदूड़ी, सरोज पांडे, मनोज तिवारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब था, जो करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन ए, रामवीर सिंह बदूड़ी। अगला क्वेश्चन था, शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम पट्टन प्रगति किस राज्य में शुरू किया गया है। और आपका ऑप्शंस गिवन थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो सही जवाब था, जो करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन ए, दैट इज तेलंगाना। अगला क्वेश्चन था, माइतिर मोहम्मद, जिन्होंने राजनीतिक अस्थिरता के कारण हाल ही में त्यागपत्र दे दिया, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो आपको ऑप्शंस गिवन है वियतनाम, मलेशिया, ब्राजील और कतर। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी, दैट इज मलेशिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो पुराने जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए और आई होप आप इनको फॉलो कर रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि इसी से आपकी जो तैयारी है वो पक्की होती है, रिविजन अच्छे से होता है। चलिए तो अब हम आज की जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है हमारी, भारत और अमेरिका के मध्य $3 अरब के रक्षा सौदे पर सहमति। भारत और अमेरिका ने $3 अरब के रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया और स्वास्थ्य तथा तेल क्षेत्र सहित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। और ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर थे और उसी के दौरान ये जो है जो सौदा, रक्षा सौदा था और जो अन्य 3 समझौते थे उस पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने अमेरिका से $3 अरब से अधिक मूल्य के अपाचे तथा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सहित अत्याधुनिक अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके साथ साथ दोनों देशों के स्वास्थ्य विभागों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, एक MOU साइन हुआ है। और केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और अमेरिका के खाद्य तथा औषध प्रशासन USFDA के बीच चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा के बारे में एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही में भारतीय तेल निगम ने अमेरिका के एक्सॉन मोबिल भारत LNG लिमिटेड तथा चार्ट इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि जो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से जो है समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की घोषणा की। जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसने घोषणा की कि राज्यसभा की 55 सीटों के लिए 26 मार्च को द्विवर्षीय चुनाव होंगे और इस साल अप्रैल में सदस्यों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, जिन भी सीटों के लिए जो है चुनाव होंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सीट हैं वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु की हैं। महाराष्ट्र की 7 सीट हैं वेकेंट हो जाएंगी और तमिलनाडु की 6 सीट खाली हो जाएंगी। बात करें हम राज्यसभा की, तो आप सब लोग जानते हैं इसको अपर हाउस भी कहते हैं और ये संसद का एक स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो उसमें से 1/3 जो होते हैं वो हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, एक साथ लोकसभा की तरह नहीं, सबको भंग होती, तो इसीलिए ये स्थायी सदन है। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अभी कितनी है? 250 निर्धारित की गई है।
जो मैक्सिमम जो हम बात करते हैं, मैक्सिमम 250 है, जिसमें से 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है बिम्स्टेक ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में। बिम्स्टेक ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऊर्जा सलाहकार डॉक्टर तौफीक ए इलाही चौधरी ने ढाका में बिम्स्टेक के ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए घोषणा की कि बिम्स्टेक म्यांमार थाईलैंड से भारत तक करीब 3000 किलोमीटर लंबा विद्युत ग्रिड स्थापित करने के लिए कार्यरत है। और इस ग्रिड के निर्माण से क्या फायदा होगा, जो सदस्य देश हैं उनकी विद्युत मांग और आपूर्ति सुनिश्चित होगी, साथ ही जो उपभोक्ताएं हैं उनको भी लाभ पहुंचेगा क्योंकि जो बिजली का मूल्य है वो कम होगा और जो बिजली है वो नॉनस्टॉप मिलेगी। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। संगठन के जो सदस्य हैं उन्होंने 2018 में क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, एक MOU साइन हुआ था इससे रिलेटेड। बात करें हम बिम्स्टेक की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ में उसके बारे में ज़रूर जाने, उसके मेंबर्स कौन है, कब स्थापित हुई और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हम बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देशों का संगठन है ये। और आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान दक्षिण से दक्षिण एशिया का हिस्सा है, वहीं म्यांमार और थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है असम समझौते के खंड 6 पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को सौंपी। तो जो असम समझौता हुआ था, असम अकॉर्ड भी कहते हैं उसका, जो क्लॉज 6 है, खंड 6 है, उस पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट गुवाहाटी में मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल को सौंप दी है। और ये जो उच्च स्तरीय समिति जो गठित हुई थी, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश विप्लव कुमार शर्मा, और उन्होंने रिपोर्ट में राज्य के लोगों के हितों के संरक्षण के उपायों की सिफारिश की है। असम सरकार रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजेगी और केंद्र और असम सरकार ने असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो असम अकॉर्ड काफ़ी चर्चा में था, तो असम समझौता आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो मध्य प्रदेश एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, साथ ही में एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा राज्य बना है। तो ध्यान रखिए कि एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने में पहला स्थान है और एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। यह कार्ड देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण कार्ड में एकरूपता लाने के लिए जारी किए जा रहे हैं। वहीं ये जो नए कार्ड हैं इसमें जो कार्ड के दोनों तरफ अधिक विस्तृत जानकारी छपी होगी और यह देश भर में मान्यता प्राप्त एक अद्वितीय संख्या भी धारण करेगा। साथ ही में जो ये कार्ड होंगे, इस कार्ड में कि कोई भी जो ड्राइवर है वो अगर पहाड़ी क्षेत्र में और खतरनाक क्षेत्रों में चलाने में अगर क्षमता है उसकी तो वो भी मेंशन किया जाएगा और अब उसमें आपातकालीन संपर्क नंबर भी मेंशन किया जाएगा। साथ ही में उन स्मार्ट कार्ड्स में QR कोड भी रहेगा ताकि जो उस पर जो जानकारी छपी है वो जानकारी जो है वो सही है या नहीं, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए वो QR कोड रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी ऐसी न्यूज़ आती है जिसमें ऐसे स्पेसिफाइड होता है कि देश का पहला राज्य बना है जिसने कुछ इनिशिएटिव शुरू किया है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने का पूरी पूरी संभावना होती है। चलिए अगला हम न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है 91 वर्ष के मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हौसनी मुबारक का निधन हो गया। तो 91 वर्ष के मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति और 30 साल तक सत्ता पर कब्ज रहे मोहम्मद हौसनी मुबारक का निधन हो गया है। और मिस्र के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष जो हौसनी मुबारक हैं वो 14 अक्टूबर 1981 में वो देश के उपराष्ट्रपति बने और 8 दिन के भीतर भीतर वो राष्ट्रपति के पद की भी उन्होंने शपथ
ले ली। हौसनी मुबारक ने मिस्र के मंद गति के लेकिन मजबूत आर्थिक विकास को दिशा दी और इसराइल के साथ दशकों तक चले युद्ध के बाद अपने देश को सैन्य संघर्ष से आमतौर पर अलग बनाए रखा। तो ये उनका हमने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा। लगभग 3 दशक तक सत्ता में बने रहने के बाद मुबारक को देश भर में 18 दिन चले विरोध प्रदर्शनी के बाद 11 फरवरी 2011 को इस्तीफा देना पड़ा था। बात करें हम मिस्र की, इजिप्ट की, तो मिस्र एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जो पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व से जोड़ता है। यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं मैप की, सॉरी इजिप्ट की मैप पे, और यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो है कायरो, और जो इसकी मुद्रा है वो है मिस्री पाउंड। और ये जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है विद लिबिया एंड सूडान, और ओवर हेयर यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसराइल से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये जो है कनेक्ट किस किस को कर रहा है, ये पूर्वोत्तर अफ्रीका को मध्य पूर्व या मिडल ईस्ट से ये कनेक्ट कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी, ओडिशा के गहीरमथा में डॉल्फिन की संख्या आधे से कम दर्ज की गई है। तो हाल ही में जो वन विभाग है उड़ीसा के, उन्होंने एक वार्षिक जनगणना की, जो वार्षिक जनगणना थी चिल्का झील में की गई थी, और इससे पता चला कि राज्य में टोटल जो डॉल्फिन है वो 233 हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम हो गई हैं, और गहीरमथा में डॉल्फिन की संख्या एक वर्ष में आधे से भी कम हो गई है। सिर्फ गहीरमथा की बात करें तो उसमें जो डॉल्फिन की संख्या है वो आधे से भी कम हो गई है। और दो ये जो जनगणना है डॉल्फिन्स की, ये 2015 में शुरू की गई थी और 2016-17 में नहीं की गई थी, क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस की वजह से तो नहीं की गई थी। 2015 में पहली बार की गई थी। उस समय पे पूरे जो उड़ीसा है उसमें 270 डॉल्फिन दर्ज की गई थी। गहीरमथा जो है गहीरमथा समुद्री अभयारण्य जो है उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है, और ओलिव रिडलेट कछुए जो ओलिव रिडलेट टर्टल हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा ब्रीडिंग नेस्ट वाला समुद्र तट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है गहीरमथा समुद्री अभयारण्य के बारे में। और चिल्का झील जो है ये एक खारे पानी की झील है और एक रामसर स्थल है। तो हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया होगा कि जो रामसर स्थल है, जो उसमें जो भी लेक शामिल होती है, जो भी साइट शामिल होती है, उसका ये फ़ायदा होता है कि उसको कंजर्वेशन के लिए वो कुछ उपाय कर सकती है और उसमें उसको सपोर्ट मिलेगा। बात करें हम डॉल्फिन की, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध है, और उसका जो IUCN स्टेटस है वो लुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड है। इसके अलावा ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 परिशिष्ट 1 और CMS के परिशिष्ट 2 में शामिल है, ठीक है। और CMS का जो अभी COP 13 हुआ था वो हाल ही में हुआ था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, तो CMS से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला हम न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है स्पाइस प्लस विभिन्न मंत्रालय और विभागों की सेवाओं को एकीकृत करने का लिए एक वेब फॉर्म। तो स्पाइस प्लस एक एकीकृत वेब रूप है जिसे भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये जो है स्टेप लिया गया है। स्पाइस प्लस की बात करें तो ये स्पाइस फॉर्म को बदल देगा और विभिन्न मंत्रालय और विभागों के जैसे कुछ सेवाएं हैं, 10 सेवाएं हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल है, DIN आवंटन, PAN, EPFO, ESIC पंजीकरण, GSTIN का आवंटन, ये सब शामिल है। इन सब सेवाओं को एकीकृत करेगा और ये भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए समय और लागत बचाएगा। और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में, यहाँ पे सेंटेंस अधूरा रह गया है तो मैं बता देती हूँ, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अपनी जो रैंकिंग है वो काफ़ी सुधारी है। जो पहले बात करें हम, जो 140 से भी ऊपर थी 2015 में 2014 में, वो अभी जो रीसेंट 2019 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की 63rd रैंक हो गई है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है पी शंकरन का 72 वर्ष की आयु में निधन। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे पी शंकरन, उनका बहुत ही गहन बीमारी के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह अपना कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे थे
और वह पूर्व स्वास्थ्य और पर्यटन मंत्री थे और 1947 में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो माता पिता हैं केलू नायर और मक्कम पेरम्बरा, वो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, उच्च न्यायालय ने कहा सबूत का दायित्व नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा। तो अभी एक महिला जिनका नाम है नूर बेगम, उन्होंने विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया था। तो इसी के चलते गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी जो याचिका है उसको खारिज करते हुए कहा कि नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्ति पर सबूत का दायित्व निहित है। और ये ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि जो नूर बेगम हैं वो 25 मार्च 1971 से पहले भारत में निवास करने वाले किसी भी पूर्वज के साथ अपने संबंध साबित नहीं कर पाई थी और इसी कारण उन्हें जो फॉरेन ट्रिब्यूनल से उसने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया था। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के तहत असम में रहने एनआरसी की हम बात करते हैं, तो ये जो मसला चल रहा है ये एनआरसी का ही था। तो एनआरसी असम में रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिक का दर्जा पाने के लिए यह दस्तावेज पेश करने हैं कि उनको अपने पूर्वज 25 मार्च 1971 से पहले भारत में रह रहे थे, यह प्रूफ करना होगा। उसके लिए दस्तावेज पेश करने होंगे और साथ ही में उन पूर्वजों के साथ उनका क्या जुड़ाव है वह भी स्थापित करना होगा। और अगर वो इस करने में असमर्थ रहे तो उनको मौका दिया गया था कि वो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपना याचिका दायर करें और अपना जो है प्रूफ दें। अगर हम बात करें नागरिकता की तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, जबकि जो नागरिकता कैसे अधिग्रहण हो सकती है और कैसे निलंबित हो सकती है उसके जो तरीके हैं वो नागरिकता अधिनियम में परिभाषित हैं। और हाल ही में हम जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पे कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इस अधिनियम जो था ये 1955 वाले जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है इसने, और इसमें जो 3 देश हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इससे जो 6 समुदाय के जो लोग हैं, इससे जो भारत में आए इलीगल माइग्रेंट्स, उनको मौका दिया गया कि वो अपनी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें जो है 6 समुदाय जो हैं इसमें हिंदू, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन और ईसाई कहते हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं वो सब शामिल हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने जो है इन्फॉर्मेशन जान ली है। चलिए अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 के लिए चेतावनी जारी की है, क्योंकि चीन में कोविड ये नाम दिया गया है 19, जो कोरोना वायरस, जो नया वाला कोरोना वायरस है उसके कारण जो बीमारियां हो रही हैं उसका नाम कोविड-19 है। तो इसके जो मामलों की संख्या है उसमें वृद्धि हुई है, साथ ही में जो संक्रमण है वो अन्य देशों में भी फैल रहा है। इसी के चलते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी या फिर पेंडेमिक में बदलने की चेतावनी दी है। बात करें चीन में कोरोना वायरस के कारण अभी तक 2600 से अधिक लोग मर गए हैं और 77,000 से अधिक लोग जो हैं वो संक्रमित हैं। बात करें पेंडेमिक बीमारी की, तो एक बीमारी को पेंडेमिक तब घोषित किया जाता है जब वह एक नई बीमारी हो और उससे कम प्रतिरक्षा वाले लोगों को वह हो रही हो, साथ ही में यह है उम्मीदों से ज़्यादा जो है दुनिया भर में फैल रही हो। और ये जो तय करने के लिए कोई सीमा नहीं है कि अगर मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर जो वैल्यू पे, मतलब मान लो 10,000-20,000 जो लोग हैं संक्रमित होंगे, दुनिया भर में फैलेगा इतने लोगों में, तब उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ये पूरा जो डिक्लेयर करने की बात है ये WHO पे, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उस पर निर्भर करता है, इसकी तय करने के लिए कोई सीमा नहीं है। बात करें हम एपिडेमिक की, एपिडेमिक की बीमारी के मामलों में अचानक वृद्धि है जो एक देश या समुदाय के लिए अद्वितीय हो सकती है, ठीक है। तो जो एपिडेमिक है वो क्या होता है कि वो अचानक, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो अचानक उसकी वृद्धि होती है, साथ ही में वो एक देश या समुदाय के लिए अद्वितीय हो सकती है। जैसे इबोला वायरस को एपिडेमिक घोषित किया गया था, सार्स को एपिडेमिक घोषित किया गया था। और बात करें एंडेमिक की, तो एंडेमिक एक दुर्लभ बीमारी है जो महामारी के रूप में व्यापक नहीं है लेकिन किसी विशेष क्षेत्र के समुदाय में मौजूद रहती है। तो एंडेमिक क्या होती है कि वो इतनी मतलब रेयर होती है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में
प्रेजेंट रहती है। इसमें आपको एग्जांपल दे सकते हैं जैसे मलेरिया एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। देखिए कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में इतने टाइम से, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इससे कोई भी प्रश्न, तो आप इसको रोज़ाना पढ़ें अच्छे से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे माई न्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, तो अब हम जो क्वेश्चन है उससे न्यूज़ से रिलेटेड वो हम देखते हैं, और आपको इस क्वेश्चंस के हमें आंसर ज़रूर कमेंट करके बताने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपाचे तथा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर को खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका ऑप्शंस गिवन है रूस, अमेरिका, जापान और जर्मनी। तो इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ऊर्जा सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो आपका ऑप्शंस गिवन है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार और श्रीलंका। तो बिम्स्टेक ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है वो आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आपको जो ऑप्शंस गिवन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरिमाथा समुद्री अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो पहला दिया हुआ है, यह ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। दूसरा है, यह ओलिव रिडले कछुए के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है, कहते हैं इसको ब्रीडिंग नेस्ट है। यह कोई डॉल्फिन नहीं पाई जाती है। और लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो आपको सही आंसर इसका बताना है क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका ऑप्शंस गिवन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। दूसरी कथन दे रखी है, संविधान का अनुच्छेद 6 नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को परिभाषित करता है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के तहत भारत में रहने वाले लोगों के लिए कट ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 है। और चौथा आपको दिया हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदायों को नागरिकता के लिए पात्र घोषित किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 को डैश घोषित किया गया है। आपका ऑप्शन गिवन है, पेंडेमिक, एपिडेमिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या फिर बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे आपको सही आंसर्स कमेंट करके बताने हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज डिस्कस करें करंट अफेयर्स और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं करने के लिए, तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करें और हमारे चैनल पेंडुलम एडू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू रिसीव नोटिफिकेशंस। और जम के तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।